हेलो दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो अपना रिजल्ट आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन कर दूँ जिससे आप अपना रिजल्ट देख सकें। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट को नहीं पता कि रिजल्ट कैसे देखना है, तो इस वीडियो में आपको प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको रिजल्ट पे ले चलते हैं। यहाँ आपको रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिक्लेयर रिजल्ट। जैसे आप बैक हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, रिजल्ट पे जाके डिक्लेयर रिजल्ट डेट रेगुलर प्राइवेट एग्ज़ाम 2018-19 में डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद एक पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड होगा, और कुछ दिन पहले बीएससी तृतीय वर्ष का डाउनलोड हुआ था, यानी कि आया था रिजल्ट, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन किया। आज 23 तारीख है, अभी बीए तृतीय वर्ष का रिजल्ट अपलोड हुआ है, तो बीए तृतीय वर्ष का रिजल्ट आ गया, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन कर दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ 23/5/19 यानी अभी भी रिजल्ट रिलीज हुआ है, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो आपको देखना है कि कैसे आपको रिजल्ट देखना है। आपको यहाँ पर नीचे जाना है, सिक्योरिटी रिजल्ट, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर रेगुलर प्राइवेट एग्ज़ाम। इस सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट पे ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना है जो आपका टाइप है रेगुलर प्राइवेट, तो मैं रेगुलर पे क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा बीए थर्ड ईयर, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको गो कर देना है। यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरी जितने भी आपका रोल नंबर होगा, जितना भी आपका डिटेल होगा, आपका रिजल्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। और जिनका पेंडिंग है, और मैं आपको बता दूं, जिनका पेंडिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कॉलेज वाइज डिटेल ऑफ पेंडिंग रिजल्ट फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन। मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जिन लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जिन कॉलेजों का रिजल्ट नहीं आएगा आया हुआ है अभी तक, वो इस पर क्लिक करके अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और मैं आपको दिखा देता हूँ बीए थर्ड पर क्लिक करके डाउनलोड। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने एक पीडीएफ फॉर्मेट ओपन होकर आ जाएगा, आप देख सकते हैं आपके सिस्टम में आ जाएगा। बहुत सारे कॉलेज हैं, इसलिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है 2-4 मिनट, तो ये ओपन हो जाएगा। फिलहाल आप देख लीजिएगा जैसा भी प्रोसेस हो। फिर से मैं एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ, अलाउ कर देता हूँ, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे, कोड मिल जाएंगे, जिन जिन का अभी तक रिजल्ट नहीं आएगा उनका ये सब डिटेल्स हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जिससे वो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके कि रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेश्चन, आपका कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है, अन्य का भी जो अभी जिनका भी बाकी है उनका धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।